हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ऑडिटिंग से बहुत बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूटीन चेकिंग को लेकर के। अब रूटीन चेकिंग होता क्या है, तो बहुत इजी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जब भी हम लोग ओरिजिनल एंट्रीज की चेकिंग करते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जनरल एंट्रीज की, या हम लोग सब्सिडरी बुक्स की जो एंट्रीज होती है उनकी चेकिंग करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूटीन चेकिंग कहते हैं। अब रूटीन चेकिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो जैसे मान लो मैं सेल्स बुक है तो सेल्स बुक के सारे आउटवर्ड इनवॉइस को चेक कर रहा हूं, परचेज बुक है तो परचेज बुक के सारे इनवर्ड इनवॉइस को चेक कर रहा हूं, या तो फिर कैश बुक है तो उसके कैश वाउचर्स को चेक कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें ना रूटीन चेकिंग में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट बात करें तो जो एरर्स होते हैं उसको लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है रूटीन चेकिंग की वजह से, बिकॉज जो रूटीन चेकिंग है ना वो डिटेल चेकिंग होती है, जिसकी वजह से रूटीन चेकिंग के अंदर हम लोग आसानी से जो एरर्स है उनको लोकेट कर सकते हैं और उनको सुधार सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर द कंप्लीट रूटीन चेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना उसके अंदर रूटीन चेकिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब एकदम डिटेल्ड रूटीन चेकिंग, क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं एक दिन के अंदर, तो सारे के सारे चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक और चीज बता दूं आपको, तो ये जो रूटीन चेकिंग होता है ना उसमें कोई भी तरह का कोई एक्सपर्ट टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो जिस वजह से ये जो रूटीन चेकिंग होता है उसको ये पूरा काम जो है उसको जूनियर क्लर्क या तो ऑडिट असिस्टेंट्स खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जूनियर क्लर्क है वो अपना काम जैसे करता है टोटल करना या कंपेयरिंग करना एंट्रीज को सपोर्टिंग वाउचर्स के साथ, वाउचर्स यानी बिल्स के साथ, ठीक है, या तो चेक करना पोस्टिंग बराबर की है कि नहीं और बैलेंसिंग किया है कि नहीं लेजर का, लेजर अकाउंट सारे प्रॉपर है कि नहीं, वो सारा काम जूनियर क्लर्क ही कर देते हैं। इससे अच्छी बात क्या है पता है, ऑडिटर अपना जो टाइम है वो कोई अच्छे प्रोडक्टिव काम पे लगा सके, प्रोडक्टिव टाइम यूज कर सके वो, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे काम टोटलिंग वगैरह का कौन कर लेता है, जूनियर क्लर्क और ऑडिट असिस्टेंट्स कर लेते हैं। तो ये था अपना रूटीन चेकिंग। अब आगे बढ़ते हैं कि रूटीन चेकिंग के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे टोटल 6 चीजें दी है वो इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला जो चेकिंग है जनरल्स की, सेल्स बुक की, परचेज बुक की, कैश बुक की और अदर सब्सिडरी बुक की, वो की जाती है। दूसरा है, चेक किया जाता है पोस्टिंग फ्रॉम अबव बुक्स इनटू लेजर, यानी कि ये जितनी भी बुक्स प्रिपेयर की है उन सबको क्या लेजर के अंदर पोस्ट किया है कि नहीं वो। फिर तीसरा, लेजर्स अकाउंट के टोटल किए जाते हैं, जितनी भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है उन सबका टोटल किया जाता है। फिर बैलेंस किया जाता है अलग अलग लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उनका। पांचवा है, वेरीफाई द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम लास्ट ईयर लेजर, और लास्ट ईयर के लेजर शायद आप लोग ने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, तो लेजर अकाउंट में जो लास्ट ईयर की जो एंट्रीज होती है उसको कैरी फॉरवर्ड की जाती है और फिर टोटलिंग किया जाता है। और आखिरी है 6, चेकिंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस, और जो भी बैलेंस निकलता है लेजर का उस पूरे बैलेंस को ट्रांसफर किया जाए कहां पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम होते हैं एक ऑडिटर के, मतलब ऑडिटर तो नहीं करता, वो अपने नीचे जितने भी जूनियर क्लर्क्स होते हैं उन सबको भेज देता है और ये सारे काम उनसे करवाता है। और ये सारी चीजें किसमें इन्वॉल्व होती है, रूटीन चेकिंग में इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग, कौन से मेन ऑब्जेक्ट्स है रूटीन चेकिंग के। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्ट है रूटीन चेकिंग का वो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, टेस्ट करना कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सारे एक्यूरेट है कि नहीं। अदर वर्ड्स में बात करें तो जो रूटीन चेकिंग है ना वो देखता है कि फिगर्स जो है वो सारी करेक्ट है कि नहीं, उसको एग्जामिन करता है रूटीन चेकिंग। उसका दूसरा अनदर ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पे जितने भी एंट्री की गई है क्या यहां पे जो डबल एंट्री का प्रिंसिपल है वो फॉलो किया गया है कि नहीं, यानी कि हर एंट्री की दो इफेक्ट होती है वो वाला प्रिंसिपल फॉलो किया गया है कि नहीं, वो चेक किया जाता है रूटीन चेकिंग में। यानी कि इन शॉर्ट आपको सिंपल वे में समझाऊं ना तो सारी की सारी एंट्रीज को प्रॉपरली हर जगह पे, जिस एंट्री की जहां जगह है क्या वहां पे पोस्ट किया है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं रूटीन चेकिंग के अंदर। तीसरा बात करें, बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक एंड कलर टिक मार्क। अब ये लोग क्या करते हैं, जब जैसे मान लो जो भी चेकिंग कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो रेगुलर चेकिंग वो लोग कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक कलर टिक मार्क का यूज करते हैं, जिससे उनको एक एंश्योर हो जाता है कि यहाँ पे हमने जो भी फिगर्स और एंट्री चेक कर ली है ऑलरेडी अल्टर्ड, मतलब हम कहेंगे ऑलरेडी ऑडिट कर ली है, उन सबको चेक कर लिया है, तो उनके लिए एक अलग टिक मार्क यूज करते हैं, जिससे क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय आके उसको चेंज ना कर दे, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट सिंपल था, चेक करना अकाउंट्स के सारे फिगर्स नंबर सही है,
है, दूसरा था सारे प्रिंसिपल सारी एंट्री प्रॉपर की है कि नहीं, तीसरा था जो भी अकाउंट मतलब चेक हो जाते ऑडिट हो जाते तो उनको एक प्रॉपर टिक मार लगा दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं हमारी जो बीकॉम सेम फोर की बैच है ना, जिसमें हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। और अगर अभी तक आप लोग ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लो, इसमें आपका ही फायदा है, बिकॉज ऐसी क्वालिटी कॉन्टेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो हमारे जैसा पढ़ाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करता है, और वो भी सिर्फ 2399 में। तो अभी के अभी आप हमारे ऐप में जुड़ जाओ, हमारी बैच में जुड़ जाओ, और कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, फायदा क्या है रूटीन चेकिंग का। तो सबसे पहला कि जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है अकाउंट की वो टेस्टेड हो जाए, इसका मतलब कि जो भी अमाउंट्स है, जो भी हमारे यहाँ पे डिजिट्स है वो सारे प्रॉपर लिखे हैं कि नहीं वो चेक हो जाता है, ये पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा, कोई भी तरह के एरर्स और ओमिशंस को हम लोग आसानी से लोकेट कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम लोग अर्ली स्टेज पे अर्ली डेट पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई यानी कि एकदम करेक्ट वे में लिख सकते हैं। तीसरा है रूटीन चेकिंग इज प्राइमरी चेकिंग, रूटीन चेकिंग को हम प्राइमरी चेकिंग बोलते हैं, फाइनल ऑडिट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ सच रूटीन चेकिंग, यानी कि एक ऐसी चीज समझ लो कि रूटीन चेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक फाइनल ऑडिट किया जाता है। और ये रूटीन चेकिंग जो है ना वो ऑडिटर नहीं करता, वो अपने छोटे मोटे स्टाफ को दे देता है, और एक्चुअल जो बड़ा ऑडिट होता है वो ऑडिटर खुद करता है। आगे बात करें नंबर 4, रूटीन चेकिंग डज नॉट कॉल फॉर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सीधी सी बात है कि भाई रूटीन चेकिंग जो है उसमें कोई भी तरह का स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, जिस वजह से ये पूरा काम जूनियर क्लर्क कर सकते हैं, और जो ऑडिटर है वो अपना जो टाइम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिवोट कर सकता है, अपना टाइम ज्यादा दे सकता है इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। क्लियर हो गया? तो इसके टोटल 4 एडवांटेजेस है। अब मैं आपको बताता हूं इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेजेस है, जो रूटीन चेकिंग है ना वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये टेडियस जॉब है। टेडियस जॉब मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग बोरिंग जॉब है, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें चेक की जाती है, वाउचर्स वगैरह सब चेक किए जाते हैं, तो इसको टेडियस जॉब भी कहा जाता है, थोड़ी बोरिंग जॉब भी कहा जाता है। दूसरा, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ने बहुत ही इंटेलिजेंटली कोई फ्रॉड किया है अपने अकाउंट्स में, तो रूटीन चेकिंग में ये लोकेट नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसको करता कौन है, सारे रेगुलर या हम कहेंगे हम जो जूनियर क्लर्क्स है वो सारे इसको कंडक्ट करते हैं, तो जो बहुत दिमाग से क्लेवरली जो फ्रॉड किया है ना वो पकड़ा नहीं जा सकता रूटीन चेकिंग में। तीसरा, रूटीन चेकिंग जो है वो पॉसिबल स्मॉल बिजनेस में ही हो सकता है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, जो बड़े बिजनेस लेके बैठे हैं, वहां पे टेस्ट चेकिंग होता है, वहां रेगुलर या रूटीन चेकिंग नहीं हो पाता, क्योंकि सोचो जैसे एक एग्जांपल दे रिलायंस, तो भाई रिलायंस के अंदर इतना बड़ा वो पूरा यूनिट है कि भाई रूटीन चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, मतलब उनका पूरा फिर ध्यान अकाउंट चेक करने में ही लग जाएगा, इसलिए वैसी जगह पे टेस्ट चेकिंग किया जाता है। और आखिरी पॉइंट है जो रूटीन ऑडिट होता है, रूटीन ऑडिट कंज्यूम्स अ गुड डील ऑफ टाइम व्हिच डिलेज द फाइनल ऑडिट एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो डिलेड। यस, रूटीन चेकिंग की वजह से क्या होता है, वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से फाइनल ऑडिट में और ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जो फाइनल रिपोर्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। तो ये थे इसके टोटल 4 डिसएडवांटेजेस और 4 एडवांटेजेस। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।